किस तरह से किसी को भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं यूजिंग योर लैपटॉप और पीसी। अगर आप लोग अपने व्हाट्सएप को पीसी या लैपटॉप में यूज कर रहे हैं, उसको यूज करते हुए आप लोगों ने किस तरह से किसी को भी डॉक्यूमेंट फाइल सेंड करनी है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सो किस तरह से करना है उससे पहले बता दूं, छोटी सारी वीडियो जारी, इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है बिना स्किप किए। सो करें स्टार्ट अपनी वीडियो को। उसके लिए आप लोगों ने सिंपल से क्या करना है, इधर से सिंपल से आपने आप लोगों ने web.whatsapp.com में आके व्हाट्सएप को लॉग इन कर लेना है, ठीक है। अगर लॉग इन नहीं करना तो आप लोग वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को इसी को सेंड करके दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट फाइल। उसके बाद जैसे आप लोगों को प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। प्लस के ऑप्शन पे आप लोग जैसे ही टैप करेंगे सो जैसे आप लोगों को डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे ही डॉक्यूमेंट के ऊपर टैप करेंगे सो जैसे आप लोगों के सारे फोल्डर्स वगैरह खुल जाएंगे। अब आप लोगों का डॉक्यूमेंट जहां भी पड़ा हुआ है, कोई पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है या कोई रिज्यूमे है या कुछ भी आप लोगों का पड़ा हुआ है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। बट इधर अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँ, डॉक्यूमेंट में जाने के बाद इधर से मैं आप लोगों का एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अगर मैं ये जाऊँ और इधर ऊपर के बटन पर टैप कर दूँ और देन इधर से मैं सेंड के बटन पर टैप कर दूँ, सो इस तरह से सेंड हो जाएगा मेरा डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पर किसी को भी। सो इस तरह से आप लोग अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर किसी को भी।